पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मिडटाउन क्लब में एक अनोखे कार्यक्रम रोटरी शेफ का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के मेल रोटेरियन ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और नए नए व्यंजन बनाकर अपने कुकिंग के हुनर को प्रस्तुत किया। रोटेरियंस द्वारा बनाए गए व्यंजनों को जज करने के लिए दाशोका होटल दिल्ली के हेड शेफ मिस्टर मनोज कुमार मदान उपस्थित रहे, जिन्होंने मनोरंजन पूर्ण तरीके से रोटेरियन द्वारा बनाए गए व्यंजन पर अपने निर्णय को सुनाते हुए सभी प्रतिभागियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के कन्वीनर रोटेरियन तरुण मदान एनी अनीता मदान और विनीत गुप्ता एनी अंजना गुप्ता रहे। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से राजीव सिंगल सहपत्नी रहे और गेस्ट ऑफ ऑनर मधुशंकर मेहता सहपत्नी रहे। लोगों को किचन में सुरक्षा के जरूरी टिप्स बताए। अशोका होटल दिल्ली से आए हेड शेफ मिस्टर मनोज कुमार मदान ने क्लब के सदस्यों को दो अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने सिखाए। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन अनुज अग्रवाल, सचिव रोटेरियन शम्मी पुरी ने सभी गेस्ट और क्लब के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम की सराहनीय प्रशंसा की। चाहे वो आंखों के कैंप लगाने की बात हो, चाहे वो ब्लैक बैंक की बात हो, चाहे वो स्कूलों में आर ओ वाटर लगाकर या कंप्यूटर लैब लगाकर या प्राकृतिक आपदाओं में हमने देखा है कि हमारे रोटी साथी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं उसके लिए सभी अपने रोटी के साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत उनका सम्मान करता हूँ। रोटरी क्लब मुरादाबाद सेंट्रल की ओर से रोटरी शेफ मीटिंग का आयोजन किया गया था। जज के रूप में श्री मनोज कुमार मदान जी दिल्ली से पधारे हैं, जो अशोका होटल के हेड शेफ हैं। उन्होंने आज इस कार्यक्रम के दौरान हमारे कॉम्पिटिटर्स के बीच में ये देखा कि किसने कैसा खाना बनाया है, किस तरीके से तैयारी की, और उसके बाद ये डिसीजन दिया। जो डिश उन्हें अच्छी लगी वो उन्होंने वहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज दिया और एक कंसोलेशन प्राइज भी दिया। उसके अलावा बाकी सारे मेंबर्स को भी क्लब की ओर से प्राइज दिए गए। यहाँ का माहौल मिला, इस तरफ से हमारा वेलकम हुआ, जिस हिसाब से अनुज जी ने हमें यहाँ बुलाया, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू।